देश भर में कोरोना संकट के चलते हालात खराब हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर्स भी इस्तीफा दे दें तो भारत में और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। दरअसल पूरी बात ये है कि डॉक्टर्स सरकार की तरफ से मांगों को पूरा ना होने के कारण इस्तीफा दे रही हैं। बता दें कि जबलपुर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित करने और 5 मेडिकल कॉलेज के जूनियर्स डॉक्टर के इस्तीफा देने के बाद जूनियर डॉक्टर्स गुस्से में हैं और इसी के चलते जूनियर डॉक्टर्स द्वारा इस्तीफा भी दिया गया है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की सचिव डॉक्टर अंकिता त्रिपाठी ने बताया है कि मध्य प्रदेश में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर्स द्वारा कहा जा रहा है कि हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार द्वारा घर पर पुलिस भी भेजी जा रही है और साथ में हमें परेशान भी किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा कहा गया है कि सरकार द्वारा डॉक्टर्स की सारी मांगों को पूरा किया गया है। वहीं इसी पर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने केवल मांगों को पूरा करने का वादा किया है, मांगों को पूरा नहीं किया गया है। बता दें कि डॉक्टर्स की मांग है कि कोरोना ड्यूटी के लगे सभी डॉक्टर्स को उचित सुरक्षा मुफ्त में प्रदान की जाए और साथ ही साथ जूनियर डॉक्टर्स को उनके परिवार के लिए अलग एरिया अस्पताल में दिया जाए, इत्यादि और भी कुछ मांगे जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से सरकार के सामने रखी जा रही हैं, जिनके चलते डॉक्टर्स गुस्से में हैं। और सरकार का कहना है कि हमने सारी मांगे पूरी कर दी हैं, लेकिन वहीं जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार के द्वारा केवल ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा सारी मांगें पूरी की गई हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।